लापता लेडीज फिल्म को भारत की तरफ से ऑस्कर 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया है। भारत से करीब 29 फिल्में शॉर्टलिस्ट हुई थी, लेकिन लापता लेडीज सब पर भारी पड़ी और ऑस्कर तक पहुंच गई। दर्शकों को बेहद पसंद आई इस फिल्म का मध्य प्रदेश से भी गहरा कनेक्शन है। ऐसे में लापता लेडीज के ऑस्कर जाने पर सीएम मोहन यादव ने भी खुशी जताई है। उन्होंने भी इस फिल्म की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने भी इस फिल्म लापता लेडीज को 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 की फॉरेन फिल्म कैटेगरी में चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश में शूट की गई फिल्म लापता लेडीज को 97वें ऑस्कर अवार्ड के लिए ऑफिशियल चुना गया है। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में शूटिंग हेतु फिल्म निर्माताओं को सिंगल विंडो अनुमति देते हैं। पर्यटन विभाग की ओर से फिल्म पॉलिसी के अंतर्गत फिल्मों पर सब्सिडी देने का भी कार्य हम कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने भी पूरी फिल्म को, पूरी टीम और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है और कहा कि मध्य प्रदेश साहित्य, कला और फिल्म का उर्वरा भूमि है। यहाँ भविष्य में और अधिक उत्कृष्ट फिल्मों का निर्माण होगा जो वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करेंगी।